दिल्ली के अंदर जारी किसान आंदोलन को लेकर लगातार ये बात उठ रही थी कि आखिरकार सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कुछ हो जाने के बाद भी चुप क्यों हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग के दौरान 26 जनवरी को जो कुछ लाल किले पर हुआ उसका जिक्र भी किया और बड़े ही कड़े शब्दों में उस बात की निंदा भी की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पूरी घटना पर क्या बयान दिया है। तर्कबद्ध रूप से सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना होती है करनी चाहिए, क्योंकि उसी मंथन में से कुछ न कुछ निकलेगा। यहां पर करीब करीब सबकी बातों के अंदर 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बनाकर के देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।